फहीम रैपिड फायर है लेकिन ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है क्योंकि इनके जवाब जो है वो अनकन्वेंशनल होने चाहिए, ठीक है। ये बताएं, क्योंकि कराची की अब बात होगी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना कौन सा आपका कराची में? KBC से अचारी। अचारी, चिकन अचारी, मटन अचारी। फेवरेट स्पॉट क्या है कराची का जाने के लिए? दो दरिया। ये सारे दो दरिया क्यों जाते हैं वैसे? मुझे बाकी ने भी कहा है दो दरिया। रुमान रईस भी उस दिन कह रहा था दो दरिया जाना है। दो दरिया में ऐसी क्या बात है? खाना भी अच्छा मिलता है वहाँ पे और ओपन एरिया है। अगर आप रात में जाए तो आप ज़्यादा, अगर आप फ्रेंड्स के साथ हों, किसी और के साथ नहीं, नहीं वो भी फ्रेंड ही होते हैं। नहीं, दोस्त तो सारे होते हैं। फिर आप छुपते फिरते यार को इधर ना पहचान उधर। फ्रेंड्स अच्छे होते हैं कि मतलब आप दोस्तों के साथ चले जाए, दो तीन चार पाँच के ग्रुप हो तो ऐसी जगह क्या आप वहाँ पर इंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त है। फेवरेट फिल्म कौन सी आपकी ऑल टाइम? मेरी फेवरेट फिल्म, ये सोचने वाला सवाल है, सवाल सोचने वाला है। चलो मैं आसान सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी? एक्ट्रेस यार कोई एक्टर पूछो। चलिए एक्ट्रेस कब नहीं, क्योंकि एक्ट्रेस इतनी मिक्स हो जाती है पता नहीं चलता। अच्छा एक्टर बता दें आप फेवरेट। सल्लू भाई क्या बात है। उनकी कौन सी फेवरेट फिल्म है आपकी? उनकी ऑलमोस्ट तकरीबन जितनी भी मूवीज होती है ना अच्छी लगती है, सारी फेवरेट है तकरीबन। कौन सा वो करंट क्रिकेटर है जैसा आप बनना चाहते हैं? इस वक्त करंट ऐसा क्रिकेटर है जिससे आप इंस्पायर होते हैं? बेन स्टोक्स। क्या वजह उसकी? वो जब बैटिंग करने आता है ना, मैं इधर तो नहीं बता सकता लेकिन होता है कि ऐसा खेलना चाहिए जैसा ये खेल रहा है, और समझ तो आप गए होंगे। जी बिल्कुल। अगर बॉलिंग करने आता है ना, बॉलिंग 140, फील्डिंग वो स्लिप में हर जगह करता है। बंदा कहता है यार ये क्या बंदा है, वो रात को लड़ाई झगड़ा भी करता है। नहीं, वो नहीं करना चाहते। वो नहीं। उसकी वजह से मसले में भी पड़ गया था वो। अच्छा फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट सिंगर मेरे तीन हैं, दो हैं, एक बेचारा अब नहीं रहा। बचपन से मैं हनी सिंह का फैन हूँ। ठीक है। जगजीत सिंह, गैरी संधू। अच्छा, तो जगजीत सिंह है जो कि नहीं रहे। हाँ जी, ग्रेट सिंगर जगजीत सिंह ऑफ कोर्स। अच्छा आपको ट्रैवल करना है, तीन आपके पास ऑप्शंस हैं, आप बताएं आपको एक ही लड़की को आप साथ लेके जा सकते हैं, किसको से लेके जाएंगे? हानिया आमिर, ईमान अली, मोमिना मुस्तहसन या आयशा उमर? यार मुझे सिर्फ एक लड़की का पता, बाकियों का मुझे फेस का नहीं मुझे पता। ना किसका पता आपको? वो हमारी इस्लामाबाद की टीम के साथ थी जो पहले, मोमिना। हाँ, तो उसके साथ चले जाएंगे। बाकी अगर दिखा दें वो प्यारी भी, उनमें से कोई। अच्छा प्यारी पर डिपेंड करता है। वाह, बंदा आप किसी को साथ लेके जाए, प्यारी को तो लेके जाए ना। सही है। मोमिना मुस्तहसन प्यारी नहीं लगी थी आपको? अपना मैं बाकियों को देखूंगा ना, फिर चारों में से जो अच्छी लगेगी ये सिलेक्ट करेंगे। ये नहीं, वो प्यारी है मोमिना। हाँ, बहुत सोच रहे हैं आप, इसका मतलब है कि डाउट्स हैं आपको उसके हुस्न पे। मैं बाकी तीनों को देख के फिर डाउट बनाया। अल्लाह ने यार, तो हर चीज प्यारी होती है। सही हो गया। तो मैं कह रहा हूँ अगर तीन और भी हो जाए, नहीं तीन और हो जाए ना, फिर चारों में से फिर बंदे की ऐसा ही है। ठीक हो गया। आपको कभी आपको पहली मोहब्बत कब हुई थी, क्या उम्र थी? पहली मोहब्बत इंसान को भूलती तो है नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। पहली मोहब्बत तो सबसे पहले तो घर वालों से होती है, क्रिकेट से होती है, फिर जाके लड़की से होती है। हाँ, वो लड़की वाली बताएं मुझे, बाकी छोड़ दें। यार तुसी मेनू अब्बू को मार पाओगे? अभी तक भी डर लगता है। डर लगता है। मेरे बड़े भैया ऑलमोस्ट कोई 40 इयर्स के होंगे, वो भी डरते हैं अब्बू से। अच्छा जी आगे चलें, तो आपने वो तो गोलमोल कर दिया, बता नहीं रहे आपके मोहल्ले में लड़की, मोहल्ले में थी? नहीं, दूर थी यार। आप ना नहीं यार, ये आप बात ही छोड़ दे। अच्छा बात छोड़ दे। हाँ ना, अबू ने नहीं छोड़ना, अबू ने नहीं फिर छोड़ना। अच्छा जी आगे चलो, फैन ने कभी तंग किया? कुछ फैंस जो हैं वो इमोशनल भी हो जाते होंगे, कोई कुछ लड़कियां जो हैं वो उनका दिल भी ठहर जाता होगा आप पर। कितनों को नंबर दिए हैं अभी तक? एग्जैक्ट नंबर नहीं, वैसे ही बता दें। नंबर मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे हुआ है कि मेरा नंबर ना हसन के साथ मैं एक टूर्नामेंट पे गया था, वहाँ पे लीक हो गया था, लेकिन मैं चेंज इसलिए नहीं किया था वो, मैं मुझे खुद भी नहीं था पता, मैं उसके दोस्त को बता रहा था। हाँ। तो उसमें लाइव वीडियो चल रही थी, उसमें आवाज आ गई। ओके। लेकिन मैं नंबर इसलिए नहीं चेंज कर रहा, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं जो मेरे साथ पहले खेलते रहे हैं उनके पास वही नंबर है। अगर मैं चेंज करूंगा उन्होंने ना उर्दू में नहीं बोलेंगे, पंजाबी में। बड़ा बंदा हो गया। कभी किसी टीम मेंबर का लंच खाया शरारत? एक बार लंच छोड़ें आप, ब्रेकफास्ट क्या फ़खर, शदाब, हसन, अगर हम लोग इकट्ठे बैठे हैं ना, पहले तो हमें गुस्सा आएगा,
फ़खर है, इधर से खाएगा उधर से खाएगा, तो फिर सबका प्लान क्या होता है, फ़खर ला के रखेगा, उसका सारा खा लिया, फिर वो देखता है, फिर लेके आएगा, फिर ऐसे करता है। मैंने देखा फ़खर के खिलाफ आप टीम में बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्या वजह है? नहीं नहीं उसके खिलाफ नहीं है, आप देखें कि नहीं आप देखें कि घर में भी उसी बच्चे को ज़्यादा डांट पड़ती है जिससे ज़्यादा प्यार हो, क्योंकि कहते हैं कि टीम में स्कूल में भी ऐसे ही होता है। फ़खर तो यह हम तीन हैं ना, अगर ये चौथा फ़खर है, फ़खर को ज़्यादा तंग इसीलिए करते हैं कि वो फिर ना हमें समझाता है, ऐसे करता है, वो उसकी वो जो बातें हैं वो बड़ी अच्छी लगती है सबको। मासूमियत है वैसे उसमें, ये तो है, मान गया। हाँ बिल्कुल अच्छा ठीक है, समझ आ गई हमें कि क्या मासूमियत है। सो दैट वॉज आर रैपिड फायर देन।